हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आप पढ़ेंगे सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइज़र के बारे में। सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइज़र का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमें इमल्शन में जो ग्लोब्यूल्स होते हैं उनके साइज़ को छोटा करना होता है। तो आप देखेंगे इसका नाम है सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइज़र। सो होमोजेनाइज़र का क्या काम होता है? होमोजेनाइज़र क्या करता है, आपके इमल्शन के बारे में आपको पता है कि इमल्शन इज़ अ बाईफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म, जिसके अंदर दो इमिसिबल लिक्विड्स को आप मिसिबल कराते हैं बाय द एडिशन ऑफ थर्ड रिएजेंट विच इज़ इमल्सिफाइंग एजेंट। तो क्या होता है, उसमें पहले बड़े बड़े साइज़ के ग्लोब्यूल्स बनते हैं, कुछ इस तरीके के साइज़ के ग्लोब्यूल्स बनते हैं। तो हम इस सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइज़र का इस्तेमाल करके इन बड़े साइज़ के ग्लोब्यूल्स को छोटे इसके ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। सो वहां हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रिंसिपल से। आपका जो सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर है, ये शीयर के प्रिंसिपल पर काम करता है। अब शीयर का मतलब क्या होता है? शीयर का मतलब होता है आप जब हाई स्पीड पर ब्लेड्स को रोटेट कराते हो तो ब्लेड्स कटिंग करती हैं, आपके लार्ज ग्लोब्यूल्स को कट करके उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करती हैं। सो इसको हम कहते हैं शीयर। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं, कैसे आपका ये एपरेटस दिखता है। कुछ इस तरीके से ये एपरेटस दिखता है। ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये है हमारा सिल्वरसन मिक्सर। इसमें आपका ऊपर मोटर लगी रहती है, इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर आपका नीचे की तरफ शेफ्ट से जुड़ी रहती है और आपका ये शेफ्ट आपका नीचे से इमल्सिफायर से जुड़ा रहता है। इमल्सिफायर में आपका अंदर की तरफ पे आपकी शार्प ब्लेड्स लगी रहती हैं, बाहर की तरफ पे इसमें फाइन मैस लगी रहती है। ठीक है, अब क्या होता है, आप इस पूरे के पूरे मिक्सर को उठा के रख देते हैं आप अपने किसी कंटेनर के अंदर, जिस कंटेनर में आपने अपने इमल्शन को रखा होता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक इमल्शन है। ये देखेंगे आप, ये एक कंटेनर है जिसके अंदर हमने एक इमल्शन रखा हुआ है। इसके लार्ज ग्लोब्यूल्स को हमको फाइन साइज़ में कन्वर्ट करना है। तो हमने हमारे सिल्वरसन मिक्सर को इसके अंदर प्लेस किया और इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन किया। इलेक्ट्रिक मोटर जब आपका स्टार्ट होगी तो उससे जुड़ा हुआ शेफ्ट जो है वो घूमेगा। जब शेफ्ट घूमेगा तो आपका इमल्सिफायर जिसके अंदर ब्लेड्स लगी हुई हैं, ये भी आपका ब्लेड्स घूमने लगेंगी। नीचे आपका जो ये इमल्शन के ग्लोब्यूल्स थे वो इस फाइन मैस के थ्रू आपका अंदर की ओर जाने लगेंगे टुवर्ड्स द ब्लेड्स। अब ब्लेड क्या करेगा, ड्यू टू इट्स हाई रोटेशन, ये आपके इन लार्ज ग्लोब्यूल्स को फाइन ग्लोब्यूल्स में कट करने लगेगा। इनके ऊपर एक फोर्स लगाएगा, इसको आप शीयर फोर्स कहेंगे, जिसकी मदद से आपका ये लार्ज साइज़ के ग्लोब्यूल्स कट होने लगेंगे। इस तरीके से आपको कोर्स ग्लोब्यूल्स से फाइन ग्लोब्यूल्स मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली इसकी वर्किंग थी। तो आपने क्या किया, आप देख लीजिए, सबसे पहले आपने होमोजेनाइज़र को एक बीकर के अंदर रखा जिसमें आपने इमल्शन रखा हुआ था। मोटर को आपने ऑन किया तो मोटर से जुड़ी हुई शेफ्ट रोटेट करेगी। जब शेफ्ट घूमेगी तो इमल्सिफायर भी आपका इमल्सिफायर के अंदर जो आपने ब्लेड्स लगा रखी हैं वो रोटेट करेंगी। जब आपका ब्लेड्स रोटेट करेंगी तो ब्लेड्स के रोटेट करने से क्या होगा, फाइन मैस के थ्रू आपका जो इमल्शन उन तक पहुँचा था उसके ग्लोब्यूल्स में कटिंग चालू हो जाएगी। तो जब आपका ब्लेड्स हाई रोटेशन पर घूमेंगी तो वो लार्ज ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगी। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ दिस सिल्वरसन मिक्सर होमोजेनाइजर। एडवांटेज की बात करें तो इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज है कि ये बहुत वाइड रेंज में अवेलेबल। सिल्वरसन मिक्सर आपके छोटे साइज रेंजेस में भी अवेलेबल होते हैं और बड़े साइज रेंजेस में भी अवेलेबल होते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो नीचे पे आपका जो मैस लगा रहता है ये कभी कभार बड़े साइज़ के ग्लोब्यूल्स की मदद से ये चोक भी हो सकता है, तो हमको पीरियोडिकली इसको रिमूव करने की ज़रूरत पड़ती है। सो देयर इज़ वन डिसएडवांटेज ऑफ सिल्वरसन होमोजेनाइजर इज़ दैट मैस मे गेट चोक। नाउ कम्स यूज़ हमें पता है हम इस मिक्सर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, फाइन इमल्शन को ऑब्टेन करने के लिए। जब हम इमल्शन तैयार करते हैं तो उसमें लार्ज ग्लोब्यूल्स हमको पहले मिलते हैं, तो उन लार्ज ग्लोब्यूल्स को और ब्लेंड करके फाइन ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करने का जो हमारा पर्पज़ है वो हमारे सिल्वरसन होमोजेनाइजर से पूरा होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।